सो गाइस ये कुछ इस तरीके का व्यू है प्लेटफॉर्म के बाहर, आप देख लीजिए। और इधर जो है टैक्सियां लगी हुई है दार्जिलिंग गैंगटॉक कालिम्पोंग जाने के लिए। तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जाती है वो उसका लोकोमोटिव का एक डेमो यहाँ रखा हुआ है, जो कि स्टीम इंजन है, काफ़ी पुराना ये लोकोमोटिव है। यहाँ पर एक नई रेस्टोरेंट खुली है जिसका नाम रेल कोच रेस्टोरेंट है, जो कि NGP रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही खुली है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज हम जा रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी किसी काम के सिलसिले में, तो हमने सोचा कि एक ब्लॉग बनाकर आपको शेयर किया जाए। तो अभी ट्रेन आ चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पर, यह है पदातिक एक्सप्रेस 12377, जिसका किशनगंज में टाइमिंग है 7:30 AM सुबह के वक्त। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 8 बज रहे हैं सुबह के, तो आधा घंटा ये लेट है ट्रेन। तो फिलहाल ट्रेन आ चुकी है पदातिक एक्सप्रेस हमारी किशनगंज रेलवे स्टेशन पर, तो हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं किशनगंज से और फिर पहुंचेंगे जलपाईगुड़ी। रास्ते का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग में आप एंड तक बने रहिए, और आज हमारे साथ जो जर्नी में ट्रेवल करने वाले हैं वो है एलेक्स कैडी। तो चलिए आगे का जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे की जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। देख सकते हैं इधर का कुछ इस तरीके का सीन है, और आप देखिए बेसिन की बात करें तो देखिए बेसिन में कितना पानी जम गया है, ये पानी पास नहीं हो रहा है, पानी तो आ रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा। और इधर मिरर का हाल देखें, मिरर भी काफ़ी गंदा हो गया है और बाथरूम भी काफ़ी गंदा अभी मैंने देखा। और ये डस्टबिन का हाल कुछ इस तरीके का है। तो पदातिक एक्सप्रेस चलती है सियालदह से, लगभग 10 से 12 घंटे का ट्रैवल करने के बाद ये काफ़ी जो है गंदा हो गया है ये ट्रेन, और बाकी पानी वगैरह तो आ रहा है, कुछ इस तरीके का सीन है। और हम NGP भी पहुँचने वाले बहुत जल्द, लगभग 5-10 मिनट के अंदर हम NGP पहुंच जाएंगे। कुछ तो कुछ इस तरीके का व्यू आप देख ले। सो गाइस यहां पे न्यू जलपाईगुड़ी से पहले ही ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं था इधर, तो बहुत सारे लोग इधर ही उतर गए, क्योंकि प्लेटफॉर्म में जिनको उतरना होता है और इनका शॉर्टकट पड़ता है इधर, वहाँ लोग उतर गए इधर ही से ही। अभी यहाँ से कम 5 मिनट की दूरी पर और है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, और ट्रेन इधर ही रुक गई क्योंकि क्रॉसिंग नहीं था, तो इधर से ही काफ़ी लोग इधर ही उतर गए, देख लीजिए। तो गाइस ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का
व्यू है कुछ इस तरीके का। इधर देख लीजिए, इधर जो है प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्लेटफॉर्म है इधर, और इधर मालगाड़ी उतरने वाली जो है यार्ड है, और इधर ट्रकों का आप देख सकते हैं दूर दूर तक ट्रक दिखाई दे रहा है। ये सभी जो है मालगाड़ियों से जो भी सामान होता है वो इसे खाली कर दूसरे जगहों पर पहुँचाने का काम करती है। तो इधर देख लीजिए, ये फुट ओवर ब्रिज है जिससे हम अभी बाहर जा रहे प्लेटफॉर्म के। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी में, और हमें ट्रेन पकड़ा था लगभग 8:40 में, और अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो 10 बज रहे। लगभग सवा घंटे का टाइमिंग लगा हमें न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने में किशनगंज बिहार से। तो ट्रेन ऑलमोस्ट अच्छी थी, काफ़ी स्पीड हमें यहाँ NGP तक लेकर आई। एक दो जगह क्रॉसिंग था तो रुकी भी थी एक दो जगह 5 मिनट के लिए। बाकी ट्रेनिंग का ओवरऑल अगर हम फीडबैक दें तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, बजाज एक्सप्रेस। हाँ, लेकिन थोड़ी सी साफ़ सफाई होनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि टॉयलेट का जो पोजीशन है वो काफ़ी गंदा हो जाता है सियालदह से चलने के बाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी, और न्यू जलपाईगुड़ी के फुट ओवर ब्रिज से हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के बाहर। तो प्लेटफॉर्म के बाहर पहुंचकर हम आपको प्लेटफॉर्म का बाहर का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं, और फिर आगे जो भी होता है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम बाहर निकलते हैं, फिर आगे पहुंचकर आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी के प्लेटफॉर्म के बाहर, और ये बाहर का कुछ इस तरीके का व्यू है न्यू जलपाईगुड़ी का। और इधर देख लीजिए, आप सभी लोग जो है बाहर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म के, और इधर जो है कुछ इस तरीके का व्यू। यहाँ आपको बहुत सारी टैक्सियाँ देखने को मिली, ये सारी टैक्सियाँ जो है गैंगटोक और दार्जिलिंग को जाती है, और सारे लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है टूरिस्ट भी हैं जो उतरते हैं और इन सारी सभी टैक्सियों को बुक करके दार्जिलिंग और गैंगटोक की तरफ जाते हैं। फिलहाल हमें दार्जिलिंग या गैंगटोक नहीं जाना है, हमें लोकल एक्सप्लोर करना है मार्केट को आज। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके भी, और आगे जो है टिकट काउंटर है जहाँ से टिकट खरीद कर लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं, और आगे भी कुछ अच्छा व्यू है तो वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, ये कुछ इस तरीके का व्यू है प्लेटफॉर्म के बाहर, आप देख लीजिए। और इधर जो है टैक्सियाँ लगी हुई है दार्जिलिंग गैंगटॉक कलिंपोंग जाने के लिए, और बाकी इधर जो है एक डेमो ट्रेन रखा हुआ है स्टीम इंजन का, जो कि काफ़ी पुराना स्टीम इंजन लोकोमोटिव है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जाती है वो उसका लोकोमोटिव का एक डेमो यहाँ रखा हुआ है, जो कि स्टीम इंजन है, काफ़ी पुराना ये लोकोमोटिव है, एक डेमो के तौर पर रखा हुआ। बाकी एक यहाँ पर आकर्षण का एक पॉइंट बना है, ये रेल कोच रेस्टोरेंट, जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कटिहार का रेल कोच रेस्टोरेंट के बारे में। तो यहाँ पर एक नई रेस्टोरेंट खुली है जिसका नाम रेल कोच रेस्टोरेंट है, जो कि NGP रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही खुली है। तो आइए यहाँ का भी कुछ आपको व्यू दिखा देते हैं। अगर आप आते हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर तो आप यहाँ पर जो है इस रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। सो गाइस, देख लीजिए कुछ इस तरीके का व्यू है रेल कोच रेस्टोरेंट का यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर। इधर कुछ मेन्यू लगी हुई है खाने की, और बाहर में भी शाम को लोग बैठते हैं, फिलहाल अभी अंदर बैठते हैं। ये फुल्ली एयर कंडीशनर है, इससे पहले मैंने आपको कटिहार का दिखाया था, लेकिन अभी ये न्यू जलपाईगुड़ी में न्यूली ओपन हुआ है। सामने आपको एक बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM दिख रहा है, अगर आप आते हैं तो पैसे वगैरह भी इधर निकाल सकते हैं। बाकी व्यू इस तरीके, काफ़ी आज रश है, काफ़ी आज भीड़ है, क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे को काफ़ी जो है टूरिस्ट आते हैं, और अभी गर्मी का भी समय है, इस वजह से काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है आज, और व्यू कुछ इस तरीके का है। तो गाइज, अभी हम खड़े हैं रेल कोच रेस्टोरेंट न्यू जलपाईगुड़ी के बगल में, और ये मेरे साथ एलेक्स है, और हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं, और ये फुल्ली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है। बाकी भीड़ देख लीजिए कुछ इस तरीके का भीड़ है आज, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी टूरिस्ट आज आए हुए हैं दार्जिलिंग जाने, गैंगटॉक जाने के लिए। बाकी आगे कुछ और व्यू मिलता है तो आपको दिखाते हैं। मैंने आपको दिखाया रेल कोच रेस्टोरेंट उस साइड जो था स्टेशन के बगल में, और एक इधर भी रेल कोच रेस्टोरेंट नया नया खुला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रेल कोच रेस्टोरेंट खुल चुका है। तो अगर आप आते हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तो दो रेल कोच आपको देखने को मिलेगा, एक स्टेशन के बिल्कुल बगल में और एक स्टेशन के सामने में। तो ये आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का इधर व्यू वगैरह है। तो गाइस, अभी हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी है आज इधर पे, तो अभी हम लोगों ने गन्ने का जूस पीने का प्लान किया। तो ये हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर शुद्ध गन्ने का जूस यहाँ पर पिलाया जा रहा है, और काफ़ी आज गर्मी है, हम लोगों के सर से भी ज़्यादा गर्मी इधर। तो अभी हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। तो गाइज़, अभी हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म के बाहर, और अभी क्या अभी शेयरिंग टैक्सी देख रहे हैं और टोटो वगैरह देख रहे हैं, हांगकॉन्ग मार्केट जाना है अभी हम लोगों को। तो यहाँ पर जो न्यू फेस लोग देखते हैं ना, तो फिर आपसे मनमाना जो है आपसे रेट लग करने लगते हैं। अभी हम लोग को जाना है हांगकॉन्ग मार्केट, हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म के बाहर, तो अभी देखते हैं हांगकॉन्ग मार्केट जाइएगा। तो गाइस, अभी हम लोग बैठ गए हैं टोटो में बैठ गए हैं, अभी जा रहे हैं हांगकॉन्ग मार्केट, और हांगकॉन्ग मार्केट पहुंच के फिर हम आपको वहां का भी जो भी होगा व्यू दिखाएंगे। बाकी चलिए, आप रास्ते को एंजॉय कीजिए साथ में मेरे एलेक्स के, देख लीजिए।